मंडला के बबेहा पुल से तेज रफ्तार कार नदी में पानी के भराव में जा गिरी, जिसमें दो लोग सवार थे, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है। यह घटना बीती रात की थी, जिसकी वजह से करीब 16 से 18 घंटे बाद भी दो युवकों के शव मिले हैं, जहां पर मंडला से करीब 20 किलोमीटर दूर है ये बबेहा पुल, जहां कल रात के करीब 10 बजे थाना टिकरिया नारायणगंज के ग्राम पद्मी के दो नौजवान युवक कार से सवार होकर मंडला की तरफ जा रहे थे और भोपाल जाने को निकले थे। तभी तेज रफ्तार कार पुल के करीब से सीधे नर्मदा नदी बरगी के बैक वाटर में समा गई, जिसे पीछे आ रहे लोगों ने देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर रात के वक्त पहुंची और सर्चिंग अभियान चालू हुआ, लेकिन रात से लेकर सुबह तक भी इस कार और युवकों का पता नहीं चल सका, क्योंकि यह कार काफी गहराई में समा चुकी थी और काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू दल को पानी में कार होने का आभास हुआ और रेस्क्यू दल मंडला की SDERF की टीम ने कार को निकाला। लेकिन समस्या यह थी कि कार के अंदर कोई भी बॉडी नहीं मिली थी, तो मौके पर आए SDERF जबलपुर की टीम द्वारा कुछ घंटों बाद काफी मशक्कत के बाद पद्मी निवासी विष्णु वरकड़े का शव मिला। अभी दूसरे शव की तलाश जारी है, जहां पर लगभग 2 घंटे बाद दूसरा शव आदर्श मांडवे का भी मिल गया, जहां पर मौके पर आज सुबह से वक्त से ही पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अमला मौजूद रहा, जहां पर परिजनों का कहना है कि हमारे बच्चे भोपाल जाने के लिए निकले थे। इस हादसे की मूल वजह रास्ते का निर्माण कार्य अधूरा है एवं जहां पुल के पास कोई भी संकेत नहीं लगाए गए हैं या दिखाई नहीं दे रहे थे। इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी पुलिस को है, जाँच के बाद ही ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की बात की जा रही है। सर, मेरा बेटा एजेंसी से आया शाम को 5 बजे और घर में कहने लगे कि मुझे भोपाल जाना है, विष्णु भोपाल जा रहा है कपड़े लेने। तो पापा जी, मैं भी PSC के एग्ज़ाम के लिए फार्म भर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, तो बुक भी लेके आ जाते हैं, इन्हीं के साथ चला जाऊँगा, तो किराया वराया बच जाएगा। मैं बोला ठीक है, तो चले जाइए आप जी। तो मैं ये निकल गए, निकलने के बाद मैं समाचार देख रहा था TV में, तो कल भोपाल बंद है, संडे और मंडे को भोपाल बंद है करके उसमें बताया। तो मैंने फिर तुरंत मनोज बैरागी के यहाँ बाजू में गया और उनसे फ़ोन नंबर लगवा के मैंने उनसे बात की। उस समय ये बिजरांडी पहुँचे हुए थे, तो मैंने बोला बेटा लॉकडाउन है 2 दिन, आप मत जाओ उधर, वापस हो जाओ, बाद में चले जाना। ये बोले पापा जी अब टाइम हो गया है, हम लोग जबलपुर में रुक जाएंगे, सुबह आ जाएंगे हम वापस, इतना बोले हैं सर। गाड़ी जो थी आपकी, ये इसमें कितने कौन कौन लोग? इसमें 2 ही लड़के थे, एक विष्णु वरकड़े था और एक आदर्श मांडवी। अच्छा जी, दोनों कौन है आपके? आदर्श मांडवी मेरा बेटा है और विष्णु मांडवी भाई का लड़का है, रिश्ते का। आपका नाम? मेरा नाम चिरौंजी लाल मांडवी। स्थिति कल रात हमको लगभग 10 बजे के आसपास, 10-10:30 बजे के आसपास ये सूचना मिली थी कि एक गाड़ी जो है वो ये बबेहा पुल से नीचे जा चुकी है, स्वयं हुई कुछ एक्सीडेंटल, किसी दूसरे गाड़ी से तो नहीं, स्वयं ही चली गई, स्पीड तेज़ थी। तत्काल पुलिस को ये सूचना जनता से मिली,
कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी थे, उन्होंने ये सूचना दी। पुलिस आकर के तत्काल यहाँ कार्रवाई की। स्वयं मैं भी आया हुआ था तो यहाँ तलाश करने की कोशिश की। कल रात देर रात 3 बजे हमने समाप्त किया, तो कल तक तो कुछ नहीं था। आज सुबह हमें गाड़ी जो है वो बरामद हो चुकी है। ये वाइट कलर हुंडई की शायद गाड़ी है और इसमें हमें 2 जूते चप्पल मिले और कुछ सामान मिले हैं। तो इससे ऐसा लग रहा है कि 2 लोग हो सकते हैं यहाँ। तो वो रेस्क्यू मिशन अभी भी जारी है। हमारे पास SDRF की टीम जो है मंडला और जबलपुर की आ चुकी है, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब है और स्थानीय लोगों का हमें समर्थन मिला। तो गाड़ी बाहर निकल चुकी है और हम बॉडी की तलाश में लगे हुए हैं। सर, प्रथम दृष्टया दुर्घटना की वजह सड़क निर्माण होना है और सड़क निर्माण ठेकेदार द्वारा की गई अव्यवस्था के कारण दुर्घटना होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है, तो क्या इस मामले में भी संज्ञान लिया जाएगा, ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की जाएगी? कोई संकेतक नहीं लगे हैं और सड़क निर्माण चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जितनी पॉइंट बताए उस पर हम जरूर संज्ञान में लेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। स्पष्ट जो आप लोग को दिख रहा है वो हमें भी दिख रहा है और नियम कानून सबके लिए एक बराबर होते, तो तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे हम। सर, परिदृश्य क्या था, यहाँ पर कितना पानी है, कौन सा पानी है, कौन सा क्षेत्र है? ये नर्मदा जो नदी है उनका बैक वाटर है ये बरगी का, और पुल बना हुआ है और लगभग यहाँ 25 से 30 फीट पानी है नर्मदा का ही, जिसके ऊपर गाड़ी जो है जिसमें गई है डूबी थी, सबमर्स थी और उसको निकाला गया है। थैंक यू सर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए मंडला से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।